दोस्तों, आप सभी जियो समर ऑफर के बारे में जानते हैं। बस सभी को कुछ न कुछ इस ऑफर में डाउट है कि आखिर जियो का समर ऑफर है क्या, इसकी असली सच्चाई क्या है। कोई कह रहा है 30 जून तक जियो समर ऑफर चलेगा, कोई कह रहा है 31 जुलाई तक है, और ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे 149 के रिचार्ज वालों को जियो का ऑफर मिल रहा है, जियो समर ऑफर का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, देखते रहिए ये वीडियो। इस वीडियो में मैं जियो समर ऑफर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल पिटारा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहता हूं और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस भी लाता हूं, आप मोबाइल प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर्स प्रॉब्लम। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं जियो के बारे में। दोस्तों, जियो का ऑफर में जियो ने निकाला है कि आप 99 की मेम्बरशिप लीजिए, उसके बाद 303 या उससे ज़्यादा का रिचार्ज कराएंगे तो आपको समर ऑफर्स का लाभ मिल पाएगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो जियो समर ऑफर है वो एक्चुअल में यदि 15 अप्रैल को वो सब खत्म कर रहा है कि 15 अप्रैल के बाद जो रिचार्ज कराएगा उसी का ऑफर चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में 3 महीने जो वो दे रहा है वो 16 अप्रैल से 16 जुलाई तक वर्क करेगा। यानी कि यदि वो 15 अप्रैल को लास्ट कर देता है, इसके बाद वो डेट नहीं बढ़ाता है, तो 16 जुलाई से स्टार्ट होगा और 3 महीने तक आपको चलेगा। अब यहाँ दोस्तों बात आती है कि जियो समर ऑफर में क्या डेटा प्लान चलेगा। तो दोस्तों, यदि आप 303 का रिचार्ज कराएंगे तो आपका जो डेली चल रहा था 1 GB पर डे वाला ही आपको प्लान मिलेगा। लेकिन यदि आप 1499 का कराते हैं तो उसमें आपको 2 GB पर डे मिलेगा, और ये पूरा 3 महीने भी मिलेगा आपको। उसके बाद यदि आप 999 का कराते हैं तो इसमें आपको 60 दिन के लिए मिलता है। लेकिन यदि आप अभी कराते हैं तो आपको जो 90 डेज है उसमें आपको 100 GB एक्स्ट्रा मिलेगा, 100 GB एक्स्ट्रा। और इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी कि आपको एक दिन में इतना ही भी यूज करना है, आप 100 GB एक दिन में भी यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर के सभी प्लानों में यही है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आती है बात कि 149 के रिचार्ज यदि किसी ने करा लिया है तो उसके लिए क्या। दोस्तों, जियो ने जो प्लान्स का ऑफर निकाला हुआ है, एक्चुअली वो इस तरीके से है, यदि किसी ने 199 की मेंबरशिप ली है, उसके बाद 149 का रिचार्ज करा लिया है, तो उसे यदि समर ऑफर का लाभ लेना है, उसे 303 या उससे ज़्यादा का रिचार्ज कराना होगा, तभी यह समर ऑफर का लाभ उठा सकता है। ऐसे में दोस्तों डाउट यहाँ आता है कि क्या 149 रुपीज़ हमारे वेस्ट हो गए। नहीं दोस्तों, जैसे ही ये 3 महीने का समर ऑफर ख़त्म होगा, आपका 149 वाला प्लान एक्टिव हो जाएगा जो 28 दिन चलेगा। उसके बाद आपका 303 वाला प्लान भी एक्टिव होगा जो फिर अगेन 28 दिन चलेगा, यदि आपने दोनों प्लान किए हैं। यदि आप इससे ज़्यादा प्लान लेते हैं, मान लीजिए आप 149 का कर लिया है आपने, यदि नहीं किया है और आप डायरेक्ट 303 का कर रहे हैं, उसके बाद आपने 499 का भी कर लिया, तो ये आपका एक क्यू में चला जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको पहले आपका 3 महीने समर ऑफर चलेगा, फिर उसके बाद 303 का प्लान चलेगा, फिर उसके बाद 1499 का प्लान चलेगा, या जो भी आप प्लान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने अकाउंट में मेंबरशिप ली हुई है। यहाँ पे देखिए आप, अभी मेरा वही जो एक्टिव प्लान है वो हैप्पी न्यू ईयर वाला ख़त्म होने का समर ऑफर चल रहा है। और दोस्तों यहाँ अपकमिंग प्लान में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए मैंने 99 के रिचार्ज के बाद 149 का रिचार्ज करा लिया है, तो प्राइम 149 MRP दिखा रहा है जो कि एक्टिव होगा। उसके बाद मैंने 303 का भी करा लिया ताकि मुझे समर ऑफर का लाभ मिल सके। इसमें आप देख सकते हैं प्राइम 303 शो हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों, यदि अब मुझे यदि 15 अप्रैल को लास्ट होता है जियो, उसके बाद नहीं बढ़ाता है डेट, तो उसके बाद मुझे 16 अप्रैल से 16 जुलाई तक 3 महीने का कॉम्प्लीमेंट्री समर ऑफर मिलेगा। उसके बाद मेरा 149 वाला प्लान एक्टिव होगा 28 दिनों के लिए, और फिर वो 28 दिनों के समाप्ति के बाद 303 वाला प्लान एक्टिव हो जाएगा। और यदि मैं इसके अलावा और कोई रिचार्ज करूंगा तो वो प्लान उसके आगे एक्टिव होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपके कोई डाउट्स जियो से रिलेटेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।